आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। फरवरी 1868 को अमृत बाजार पत्रिका पहली बार अविभाजित बंगाल के जेसोर जिले से प्रकाशित हुई थी। इसे दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1871 में उन्होंने अपना कामकाज कोलकाता स्थानांतरित किया। अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित अंग्रेजों की तीखी आलोचना से ब्रिटिश सरकार असहज महसूस कर रही। उसने भारतीय भाषाओं की प्रेस में सरकार की आलोचना पर लगाम लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नामक एक कठोर कानून बनाया। अमृत बाजार पत्रिका ने इससे बचने का भी उपाय ढूंढ लिया। अधिनियम के लागू होने के बाद अखबार का प्रकाशन बंगाली की बजाय अंग्रेजी में शुरू कर दिया गया और अखबार ने औपनिवेशिक सरकार को चुनौती देना जारी रखा। अमृत बाजार पत्रिका और उसके पत्रकार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे आगे थे और प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा के अग्रणी समर्थक भी। अखबार ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लड़ने के लिए धन जुटाया और कोलकाता के तत्कालीन प्रेसिडेंसी कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निष्कासन पर कड़ी आपत्ति जताई। ১৯৩১ में शिशिर घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके बेटे तुषार कांति घोष ने अखबार का कार्यभार संभाला। उन्हें अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण न्यायिक व्यवस्था की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। 1946 में भारत के विभाजन से पहले कोलकाता में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध स्वरूप 3 दिनों तक अखबार का पहला पन्ना खाली छोड़ा गया था। अखबार ने आखिरकार 123 साल के बाद 1991 में अपनी प्रेस बंद कर दी। फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक जैसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि भारतीय दलों के बीच निरंतर मतभेदों के कारण सत्ता के हस्तांतरण में बाधा आई। उन्होंने कहा कि महामहिम की सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि भारतीय लोगों के हित में ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां नियत तारीख पर किसे सौंपी जानी चाहिए। अगले 14 महीनों में भारत से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समेटने की कवायद शुरू कर दी गई। भारत में आखिरी वॉइसरॉय के रूप में माउंटबेटन का आगमन इसका प्रतीक था। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज तय तारीख से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ देंगे। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।